और देवघर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के साथ ही जिला प्रशासन अब हरकत में आ गया है। जी हां, पीड़ित युवक को कोविड 19 हॉस्पिटल में रखा गया है। जिला प्रशासन की टीम ने वहां पहुंचकर जायजा लिया है। इस मौके पर SDM विशाल सागर ने बातचीत की है संवाददाता मनीष राज से। राहत में था लेकिन एक संक्रमित युवक के आ जाने के बाद से थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई है। सीधे हम बात करते हैं, हमारे साथ SDM है सर, अब स्ट्रेटजी चेंज होगी, क्या होगी फोकस? बेसिकली कल एक पॉजिटिव केस आया है जो कि सारवा में गमरिया गांव है, वहां पे एक 17 वर्षीय युवक हैं, सॉरी उनको उनका स्वाब सैंपल लिया गया था जब क्वारंटाइन सेंटर में थे और उसके बाद में भी ये सैंपल पॉजिटिव आया है। कल रात में प्रशासन एकदम हरकत में आने के बाद उनको यहाँ पे कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में लाया गया, माँ ललिता हॉस्पिटल में, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके क्लोज कॉन्टैक्ट में थे वो उनको हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया, क्वारंटाइन सेंटर में उनको भेज दिया गया है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से गाँव को सील कर दिया है, वहाँ पर किसी के भी आने जाने में पूर्णतः रोक है, ना ही कोई मीडिया कर्मी या कोई बाहर के कर्मी वहाँ पे जा सकते हैं। पब्लिक को भी वहाँ से बाहर निकलने की छूट नहीं है, अगर उनको कोई राशन चाहिए आवश्यकता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था करवाएगा, उनको डोर स्टेप डिलीवरी करवा दिया जाएगा। साथ साथ में यहाँ पे जो पेशेंट हैं अभी उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में जो भी लोग पिछले कुछ समय में आए होंगे उनका भी अभी हम लोग सैंपल लेंगे और उस सैंपल को आगे भिजवाया जाएगा टेस्ट करवाने के लिए। जिस गांव से आ रहे हैं वहां भी अब तो एक टीम बनानी पड़ेगी आपको हर जगह डोर टू डोर, उसके लिए क्या करना? ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से निर्देश थे कि जो भी ब्लॉक्स है वहां पे एक ब्लॉक कंटेनमेंट प्लान बनाया जाएगा, वो ब्लॉक कंटेनमेंट प्लान ऑलरेडी बनाया जा चुका है और ये जो रेस्पेक्टिव एरिया है वहां के लिए एक डेडिकेटेड टीम वहां पे पहले से मौजूद है, एक सर्वेलेंस ऑफिसर है और उसके साथ में मेडिकल टीम वहां पे मौजूद है। सर्वेलेंस और मेडिकल टीम का यही काम रहेगा कि अभी वहां पे जितने भी लोग हैं उस गांव में उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, अगर वहां पे उनको ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं किसी में कि जो कोविड 19 के सिम्टम्स हैं तो उन लोगों को फिर वापस अलग किया जाएगा और उनका भी सैंपल लिया जाएगा। सर एक बड़ा सवाल ये है कि 14 दिन तक रखा गया क्वारंटाइन में, उसके बाद कुछ दिन बाद 5 दिन बाद ये रिपोर्ट आता, कहीं कहीं हुआ किस लेवल पर, कहीं पे कहीं मिसिंग है? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो अभी सैंपल लिया जा रहा है और हम लोग सैंपल अभी धनबाद भिजवाए हैं, जनरली 2-3 दिन का समय लग ही जाता है, इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन तब भी ये प्रोटोकॉल के अंदर ही पूरी कार्रवाई है। अभी हम लोगों ने निर्देश दे दिया है कि जैसे ही क्वारंटाइन में कोई आएगा तो हम लोग तुरंत उसका सैंपल लेंगे। SDM जो कह रहे हैं कि अब फोकस हो जाएगा इस बात को लेकर कि जिस इलाके से ये मरीज मिला है वहां पूरी तरह से कंटेनमेंट कर दिया जाएगा, यानी उस इलाके को आइसोलेट कर दिया जाएगा, वहां पे कोई नहीं जाएगा वहां से, और जो लोग वहां हैं उनके लिए वहां राशन पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ जिला प्रशासन इस टीम को बनाएगी, पूरे इलाके में स्क्रीनिंग की जाएगी जो लोग उसके कंटेंट में आए थे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब जिला प्रशासन का जो फोकस है वो चेंज हो चुका है इस बात में कि अब ये से बढ़े नहीं। फिलहाल मनोज के साथ मैं मनीष राज, न्यूज 11 भारत के लिए देखूँ।